सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो रहा है और सेकंड सेक्शन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से है बेसिकली, जो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें टोटल इस सेक्शन में 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें ये पूछा गया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इसको इंसिडेंट किया गया है एयर से एक प्रिज्म पर, एंगल गिवन है अपन को 75 डिग्री और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, राइट। प्रिज्म का जो सेकेंड सरफेस है इस पर इसने बोला हुआ है कि एक थिन फिल्म है जिसका मटेरियल कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन का है, यहां इसको इसने प्लेस किया हुआ है। और जो लाइट है इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट कोटेड प्रिज्म सरफेस फॉर इंसिडेंट एंगल लेस देन 60 डिग्री। तो एक कंडीशन जो अपने पास आ रही है वो ये है कि इसका TIR होना है लाइट का इस जगह पर, इस सरफेस पर। लाइट को इंसिडेंट करवाया हमने किसी थीटा एंगल पर, रिफ्रेक्शन होगा और यहां पर बात कर रहे हैं TIR के। देखिए कंडीशन दे रखी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री से लेस है तो TIR होगा। रिवर्स में जाके बात कर रहे हैं, मैंने इसको एक बार के लिए एंगल अल्फा मान लिया। TIR की कंडीशन ये है कि अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है वो सी होनी चाहिए। अब हमें पता है कि अगर अल्फा मिनिमम है तो आर उस कंडीशन में मैक्सिमम हो जाएगा, और जब आर मैक्सिमम है तो थीटा भी मैक्सिमम होगा, और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 60 डिग्री। तो अपन क्रिटिकल एंगल के लिए ये मान के चलेंगे कि जब ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट करवाया गया है तब यहां पर जो अल्फा एंगल है वो कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल के इक्वल होना चाहिए। कैलकुलेशन में स्नेल लॉ मैं यूज कर रहा हूं, तो म्यू इंटू साइन 60 इक्वल्स टू रूट 3 टाइम्स साइन आर। साइन 60 हो जाएगा रूट 3/2, साइन आर आ जाएगा हाफ, आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, हमें ये पता है कि प्रिज्म का एंगल अगर 75 डिग्री है ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी अपने पास 45 डिग्री के इक्वल, 75 माइनस 30 विच इज 45 डिग्री। और अगेन मैं यहाँ पर एक स्नेल लॉ यूज कर रहा हूँ, तो म्यू साइन सी इक्वल्स टू नेक्स्ट जो सरफेस उस पर मटीरियल है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन 90। एन की जो वैल्यू आ जाएगी आएगी रूट 3/2, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है एन स्क्वायर की वैल्यू, तो एन स्क्वायर का जो डाटा आएगा वो आएगा 3/2, न्यूमेरिकल में अपन इसको लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.5, और 2 डेसिमल तक जाने तो आंसर हम इसमें जो लिखेंगे वो आ जाएगा 1.50। इसके बाद वाले क्वेश्चंस मेरे फ्रेंड मिस्टर केसी चौधरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कमलेश चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी एट CLC सीकर। हम यहाँ पे फिजिक्स के पेपर 2 के बारे में बात करना चाह रहे हैं, उसमें सेक्शन 2 में जो इंटीजर क्वेश्चंस थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बता रखा है, उसमें अल्फा डीके हो रहा है और अल्फा डीके के बाद गामा डीके हो रहा है। जब अल्फा डीके हुआ तो अल्फा पार्टिकल की कुछ काइनेटिक एनर्जी बता रखी है, साथ के साथ जो दूसरा और प्रोडक्ट बनेगा उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहले हम उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, बाद में जो भी एनर्जी बाकी बचेगी वो गामा रेज के पास एनर्जी जाएगी। तो इनिशियली मोमेंटम 0, तो जितना मोमेंटम पहले पार्टिकल का है प्लस दूसरे पार्टिकल का वो मिला के 0, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो मोमेंटम का न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगा। अब मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की p²/2m से मास के इनवर्स रेशियो में बोल सकते हैं, मोमेंटम सेम है इसलिए काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में होगा। अब एक तो अल्फा पार्टिकल जिसका मास दे रखा है 4 और जो दूसरा पार्टिकल बनेगा उसका मास दे रखा है 222, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट पार्टिकल जिसको हम 222 उसका एटॉमिक मास दे रखा है उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी m2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय 222 इनटू अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 4.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहां से पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कैंसिल आउट करने पर 0.02, तो 0.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो भी टोटल एनर्जी रिलीज हुई है क्यू वैल्यू जिसको मैं बोल सकता हूं वो हो जाएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर। अब मास डिफेक्ट में क्या होगा, जो रिजल्ट बनेगा प्रोडक्ट बनेगा उसका मास कम रहेगा, शुरुआत वाले का मास ज्यादा रहेगा। तो इनिशियल मास था उसका 226.005 माइनस जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका मास 222 माइनस 4
इनटू सी स्क्वायर, और इसको एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 931 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो क्यू वैल्यू जो आएगी, ये क्यू वैल्यू जा कहाँ कहाँ रही है, पहले के पास काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे के पास काइनेटिक एनर्जी, और जो बाकी एनर्जी बच गई वो गामा रेज के पास जा रही होगी। तो यहाँ से गामा रेज की एनर्जी क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लें, K1 K2 हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो जो गामा रेज की एनर्जी यहाँ से आएगी वो फाइनली आएगी 0.135 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो ऑप्शन पूछा वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा हुआ है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 135 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट दे रखा है, जिसमें हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, लेंस की परसेंटेज एरर उसमें बतानी है। तो उसके लिए बता रखा है कि जो लेंस है वो 75 सेंटीमीटर पे और जो ऑब्जेक्ट है वो 45 सेंटीमीटर पे है, तो इससे दोनों की डिफरेंस से हम यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेंस के पीछे होने की वजह से नेगेटिव, दोनों का डिफरेंस 30 सेंटीमीटर, प्लस इस एक्सपेरिमेंट में जो एरर है या लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट हमें बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो 1/4 सेंटीमीटर एरर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम एरर। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस की वजह से क्या होगा, दोनों की एरर ऐड हो जाएगी, पोजीशन दोनों पोजीशन का डिफरेंस ऐड हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो एरर हो जाएगी वो 1/2 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगी। तो ये आ गई ऑब्जेक्ट की पोजीशन। फिर इमेज की पोजीशन, इमेज दे रखी है यहाँ पे 135 सेंटीमीटर पे बन रही है लेंस से 135, तो डिफरेंस आ जाएगा इसका 60 सेंटीमीटर का, आगे बन रही है इसलिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव, प्लस माइनस इसमें भी वही एरर 0.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए 1/f = 1/v - 1/u, जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 30 और 60 साइन कन्वेंशन के साथ, तो फोकल लेंथ यहां से निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गया। परसेंटेज एरर के लिए एरर भी बतानी है, तो इसमें एरर कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया df/f² नेगेटिव, इसका डिफरेंशिएशन आ गया -dv/v² नेगेटिव, इसका डिफरेंशिएशन आ गया -(-) dU/u². अब क्योंकि एरर निकाल रहे हैं, मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे साइन सारे पॉजिटिव ले ले, और ये आ गया (δf/f²) = (δv/v² + (δu/u²). तो फ्रैक्शनल एरर इन फोकल लेंथ (δf/f), इसकी वैल्यू आ जाएगी (δu(½/v²)(60²) + (δu)½×30², और एक एफ स्क्वायर था, एफ इधर मल्टीप्लाई किया 20, और इससे परसेंटेज एरर के लिए (δf/f)×100 हमने कर दिया, तो इससे परसेंटेज एरर आ जाएगी, तो परसेंटेज एरर इसमें कैलकुलेट करने पर ये 50/36 आ जाता है, और ये फाइनली वैल्यू आ जाएगी 1.39% के अराउंड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दे रखा है और जिसके अंदर एक वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। वायर के बारे में बता रखा है कि वायर की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वायर में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी BVL, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर है, लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बी मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें 1 टेस्ला के इक्वल, वेलोसिटी वायर की 1 सेंटीमीटर, तो 10^-2 सेंटीमीटर/सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और लेंथ वायर की दे रखी है 10 सेंटीमीटर/0.1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 10^-3 वोल्ट आ गया। अब ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हुआ, तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ एक आरएल सर्किट दे रखा है। अब आरएल सर्किट अगर कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ और करंट स्टार्ट जीरो से अगर होगा तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, तो I = हम बोल सकते हैं मैक्सिमम करंट जो हो जाएगा V/R, और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना इसलिए 1 - e^-t/τ, और τ की वैल्यू हो जाएगी L/R, यहां से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I की वैल्यू हो गई 10^-3, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1 - e^ रेजिस्टेंस 1 टाइम 1 माइक्रोसेकंड के बाद, 1 मिलीसेकंड के बाद पूछा हुआ है, 10^-3 L, इंडक्टेंस दे रखा है 1 mH -3, तो करंट की वैल्यू हो गई 10^-3, और ये आ गया e^-1।
वन माइनस ई रेस पावर माइनस वन, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन की हुई है 0.37, तो करंट की वैल्यू 10 से पावर माइनस 3, 1 माइनस 0.37, तो करंट की वैल्यू आ गई 0.63 इंटू 10 से पावर माइनस 3 एम्पियर। एक्स की वैल्यू पूछी थी तो एक्स की वैल्यू 0.63। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, मास मिरर को ले रखा है, और उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। अब लाइट, कोई भी एक लाइट फोटोन अगर इस पर इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होगी जब रिफ्लेक्ट होगा, मिरर है इसलिए रिफ्लेक्ट होगा, तो इसलिए जो मोमेंटम में चेंज आएगा आते टाइम पर, उसका मोमेंटम हो गया h बाई लैम्डा, वापस रिफ्लेक्ट हुआ तो इसलिए मोमेंटम में चेंज हो गया 2h बाई लैम्डा। ये एक फोटोन के मोमेंटम में चेंज हुआ, तो जो n फोटोन्स आएंगे उनके मोमेंटम में टोटल चेंज आ जाएगा n टाइम्स 2h बाई लैम्डा। अब इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे मिरर को, अब क्योंकि मिरर मीन पोजीशन पर है तो ये इसका मीन पोजीशन पे मोमेंटम में चेंज आएगा। और ये बोल रखा है कि मिरर मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है 1 माइक्रोमीटर तक, या डिस्प्लेस हो रहा है 1 माइक्रोमीटर तक, तो वो इसके SHM में एम्पलीट्यूड की तरह से हो गया। तो मिरर के मोमेंटम में चेंज हो गया, पहले मोमेंटम जीरो था, तो मास इंटू वेलोसिटी मिरर का ये आ गया एन 2h बाई लैम्डा मोमेंटम ट्रांसफर से। और वेलोसिटी, मिरर मीन पोजिशन पर था तो इसलिए मैं वेलोसिटी के लिए बोल सकता हूँ एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो दे रखा है यहाँ पे ओम, और एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दे रखा है इसका 10 से पावर माइनस 6। एन के बारे में पूछा हुआ है तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे एम एंगुलर फ्रिक्वेंसी 10 से पावर माइनस 6 इंटू वेवलेंथ, और वेवलेंथ बता रखी है 8π इंटू 10 से पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 2h। तो एन की वैल्यू आ गई यहाँ से एम एंगुलर फ्रिक्वेंसी 4π बाय h, जिसको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 10 से पावर 24 इंटू 10 से पावर माइनस 12, तो n की वैल्यू आ गई 10 से पावर 24 इंटू 10 से पावर माइनस 12, तो n हो गया 10 से पावर 12। तो जो पूछा हुआ था इसमें x, उस x की वैल्यू यहाँ पे बना दो। नेक्स्ट, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि एक पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया तो शुरुआत वाले प्रोजेक्टाइल में उसकी एवरेज वेलोसिटी v1 है, मतलब जिसको v1 बता रखा है वो एवरेज वेलोसिटी होगी शुरुआत वाले में रेंज u स्क्वायर साइन 2θ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, डिवाइड बाय टाइम, ये रेंज डिवाइड बाय टाइम, टाइम हो गया टाइम ऑफ लाइट 2u sin θ/g। तो ये पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी बोल रखी है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो बाउंस हो रहा है जब तक, तब तक इसकी फाइनल एवरेज वेलोसिटी या टोटल एवरेज वेलोसिटी 0.8 v1 है। तो जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी, हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हर एक प्रोजेक्टाइल की रेंज ऐड हो गई, डिवाइड बाय टोटल टाइम, हर एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट ऐड हो गया, तो इससे 0.8 v1। अब पहले प्रोजेक्टाइल की रेंज u स्क्वायर साइन 2θ/g प्लस सेकेंड वाले प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो पहले वाली वेलोसिटी की बाई अल्फा टाइम्स हो गई, एंगल वो का वही है तो एंगल तो वो का वही रखना है, लेकिन वेलोसिटी की जगह यू नॉट बाई अल्फा कर देना, इनिशियल वेलोसिटी का बाई अल्फा कर देना है। तो बाई अल्फा करने की वजह से जो रेंज वाला टर्म है उसमें यहाँ पर 1α² का टर्म हो जाएगा, 1α², तो इसलिए सेकेंड वाले में भी मैं बोल सकता हूँ पहले में 1, दूसरे में 1α² इंक्लूड हो गया, थर्ड वाले में 1α⁴ ऐसे इंक्लूड होता जाएगा, डिवाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले में टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin θ/g। अब दूसरे वाले के अंदर वेलोसिटी बाय अल्फा हो गई, अल्फा वेलोसिटी होने की वजह से जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा पहले वाले का बाय अल्फा हो गया, तो 1 + 1α, अगले वाले में 1α² हो जाएगा ये। और इस टर्म को मेंशन किया हुआ है v1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 0.8 इक्वल्स टू यहां पे ये सीरीज, इस सीरीज का समेशन हो गया a/(1 - r)/(1α²). दूसरा जो सीरीज है ये नीचे डिनोमिनेटर में, उसका सम हो गया a/(1 - α)/(1α). इससे 0.8 इक्वल्स टू
ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट हुआ, फाइनली 0.8 इक्वल्स टू आ गया अल्फा अपॉन अल्फा प्लस वन, और सॉल्व करने पर अल्फा की वैल्यू 4 हमें मिल जाएगी।